तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके भाई के चैनल के ऊपर। तो आज हम हमारे हीरो एक्सप्रेस 204V कम से कम 1 महीने के बाद चालू करने वाले हैं। 1 मंथ के बाद चालू करेंगे इसे। तो चलिए देखते हैं फिर स्टार्ट होती है नहीं होती या फिर बेइज्जती करवाती है बाइक। तो चलिए देखते हैं। मैंने पिछले बार में 7 मई को बाइक को खड़ा कर दिया था जगह पे इसके इधर ही, क्योंकि बाहर में खड़ा करते हैं बाइक को, क्योंकि बारिश गिरती है धूप या कोई छेड़ जाता है बाइक को, तो इसके लिए मैं अंदर ही खड़ा करता हूँ। तो धूल भी लगी हुई है बाइक को, आपको दिखाता हूँ। 7 मई से खड़ी बाइक है और आज की डेट है 17 जून, तो 1 महीना होके गया है। तो अभी देखते हैं चालू होती है कि नहीं। चलिए तो अब आप कंडीशन देख सकते हो। ये मैं कुछ गेमिंग के लिए यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे चेयर लगाता हूँ और एक कूलर जो कि मोबाइल को ठंडा करता है। आप ये देख सकते हो मिट्टी, बहुत ज़्यादा धूल है। ये हमारे हेलमेट, ये पुस्तक, पोथी जो रहती है हमारी आरती की, ये पुस्तक रखने के लिए कर दिया। तो जगह भी बाइक खड़े होने के बाद कुछ इसी तरीके से रह जाती है, कभी कभी इसके ऊपर कपड़े भी सुखा देते हैं। तो अभी हेलमेट को निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितनी 4845 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है बाइक, और इसे मैंने 7 मई को खड़ा कर दिया था जगह पे। तो इसे चालू करेंगे। तो इससे पहले आपको एक बात बता देता हूँ मैं, तो ये बाइक जगह पे क्यों खड़ी थी इसका भी एक मेन रीज़न है। तो एक रीज़न ऐसा है कि हमारे पास अभी 2-3 बाइक है, जैसे कि होंडा शाइन, एक्सपल्स और स्कूटी में एक्सेस है। तो लोग कम और स्कूटी और बाइक ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि जब मैं बाहर रहता हूँ तभी दूसरी बाइक यूज़ होती है, और 100 किलोमीटर जाना होता है तभी इसको मैं निकालता हूँ एक्सपल्स को, वैसे हम बाइक को नहीं निकालते। और लोकल में घूमने के लिए होंडा शाइन है, वो बहुत कंफर्टेबल इधर लोकल में हिंडने के लिए या घूमने के लिए। तो इसको अभी स्टार्ट करते हैं और आपको दिखा देता हूँ मैं पहले इंजन को हाथ लगा के, साइलेंसर को हाथ लगा के चालू हुई थी या नहीं हुई थी, तो अभी आप देखना। और आप सब लोग बोलेंगे कि 8 दिन पहले इसका एक वीडियो आया था, 4 दिन पहले इसका एक वीडियो आया था, क्योंकि वो वीडियो पहले शूट होता है बाद में एडिट होता है और कब आएंगे उसका कुछ पता नहीं रहता है। तो कभी शूट होता है कभी एडिट होता है, उसका कोई शेड्यूल नहीं है। कब भी शूट करता हूँ मैं, कब भी एडिट करता हूँ, मतलब आज शूट किया तो कम से कम महीने भर के बाद कभी कभी मैं अपलोड करता हूँ या फिर एडिट करता हूँ। बहुत दिनों के बाद कैमरे के सामने आ जाता हूँ, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए आपको अभी दिखाता हूँ। तो आप इंजन के ऊपर भी धूल देख सकते हो, एकदम ठंडा। कूलर को भी हाथ लगा रहा हूँ मैं। अभी आपको साइलेंसर को हाथ लगा के दिखाता हूँ, ये इसका साइलेंसर है, एकदम ठंडा साइलेंसर है, ये देखो प्रॉपर ठंडा साइलेंसर है। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। मैंने फिर से चाबी को बंद कर दिया था, फिर से चालू करेंगे स्विच को, किल स्विच ऑन कर देंगे, मोटर का बंद होने तक इंतज़ार करेंगे और फिर चालू। बस बेइज्जती मत करना भाई, सॉरी न्यूट्रल करना बाकी है अभी, देखते हैं। इसे वार्म अप होने देंगे, चेक आउट। कितनी ज्यादा धूल है देखो, इसे अभी वॉश भी नहीं किया मैंने, ये देख सकते हो आप। आपको अभी चेकआउट करूंगा, बाइक को पहले बंद कर लेता हूँ मैं। आप देख सकते हो बाइक अभी आइडल तो होने वाली है, जब 1000 RPM पे आ जाएगी तब इसे बंद कर देंगे। तो इसे और थोड़ी देर वार्म अप होने देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो अभी आप कुछ हालत देख के भी आपको पता चल जाएगा कि बाइक बहुत दिन से खड़ी है। तो आप चैन के ऊपर गौर कर सकते हो कितनी ज़्यादा धूल है, मिट्टी, क्योंकि जब मैंने यहाँ से बाइक लेके गया था तो गांव में खेत में भी बहुत भगाई चलाई, थोड़ी ऑफ रोड भी किया, तो तब से बाइक धुली भी नहीं है। चेन पॉकेट को भी देख सकते हो आप, बहुत गंदा है, चेकआउट करो। तो जैसी है वैसी बाइक को मैंने गांव से लाने के बाद जगह पे खड़ा कर दिया। मुझे कल जाना है थोड़ा बाहर घूमने के लिए, संडे राइड के लिए, तो इसे कल वॉश करेंगे और फिर निकलेंगे। तो हमारी बाइक एकदम अच्छे तरीके स्टार्ट हो गई सिंगल सेल्फ में,
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करो क्योंकि हम कंटेंट में बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं अभी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सेंडर एड को मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।